क्या चीज है, या कैपलरी एक्शन क्या चीज है, कि अगर आप वाटर में एक ट्यूब को डालते हैं तो जो वाटर है, जितनी पतली ट्यूब होगी तो जो वाटर है वो लेवल इंक्रीज कर लेता है, ऊपर चढ़ जाता है, मोटी ट्यूब में थोड़ा कम चढ़ता है, और मोटी ट्यूब में चढ़ता ही नहीं। मरकरी आप इतना भर भी दोगे ना तो भी मरकरी मरकरी को इतनी ज्यादा खींचती है कि मरकरी नीचे गिर जाती है, क्योंकि बाकी का मॉलिक्यूल इसे नीचे खींच लेंगे। तो मरकरी नीचे गिरती है लेवल में और पानी ऊपर उठता है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आज हम डिस्कस करेंगे। इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं कि कैपिलैरिटी बोलते हैं। तो एक रिजल्ट हमने और किया था जिसमें ये एक ट्यूब है, तो एक ट्यूब में अगर सरफेस फ्लैट है तो ऊपर और नीचे प्रेशर सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट पी एटमोस्फेरिक पी एटमोस्फेरिक। और अगर आपका मेनिस्कस ऐसा है, ऐसा है, तो ऊपर अगर पी एटमोस्फेरिक है तो नीचे कम रहता है पी एटमोस्फेरिक से, कितना, बाई 2T/R। ये 2T/R का रिजल्ट वाटर ड्रॉपलेट से आता है, प्रेशर इनसाइड ड्रॉप के केस में आता है, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, नहीं है ये ट्यूब का रेडियस नहीं है, ये मेनिस्कस का रेडियस है। मेनिस्कस का रेडियस का मतलब होता है कि अगर मैं इसे इमेजिनरी बड़ा कर दूं तो इस रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं और ट्यूब के रेडियस को स्मॉल आर बोलते हैं, ऐसे। तो ये नीचे जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक से कम रहता है बाय 2T/R। और उसी तरीके से अगर आपका मेनिस्कस ऐसा है तो ऊपर अगर पी एटमोस्फेरिक है तो यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाता है बाय 2T/R। तो ये रिजल्ट भी क्लियर है, तो यस लिख सकते हैं चैट में, वाई वाई लिखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता लगता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट है राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब या एसेंट फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में पक्का आएगा, एसेंट फॉर्मूला के नाम से या राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब के नाम से। इसको समझने के लिए देखो एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सपोज करो ये आपका एक कंटेनर है, ठीक। तो मान लो ये आपका एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लो हमने एक ये ट्यूब है, पानी की ट्यूब है, ठीक, ये पतली ट्यूब है ये नहीं, और यहां पे लिक्विड है। अब लिक्विड का मेनिस्कस कैसा होगा, लिक्विड का मेनिस्कस कंटेनर के साथ तो ऐसा ही होगा, ऊपर को उठा होगा, बीच में फ्लैट हो जाएगा, फिर कंटेनर के साथ ऊपर उठ जाएगा, ऐसी कंटेनर के साथ ऊपर उठा हुआ, बीच में फ्लैट है और फिर के ऊपर उठा हुआ, ये क्लियर है। और जो लिक्विड इस ट्यूब में होगा उसका तो ऐसा हाल होगा कि फ्लैट ही नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि जब तक फ्लैट होता तब तक कंटेनर फिर से आ गया, पतली ट्यूब है ना तो फ्लैट के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो इसका मेनिस्कस लिक्विड का कुछ ऐसे है जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया, याद है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब होगा क्या, वंश आप पूछ रहे हो मेनिस्कस विल डिपेंड ऑन बोथ मॉलिक्यूल अट्रैक्शन एंड प्रेशर डिफरेंस। वंश मेरे हिसाब से मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन सफिशियंट है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन से ही मेनिस्कस डिसाइड हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस तो बाद में क्रिएट होता है ना मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन से, तो इसलिए प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, पहले मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होती है, ऐसे बोल सकते हो। तो अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ के किसी पॉइंट पे, ये मैंने पॉइंट लिया और मैंने पूछा यहाँ प्रेशर कितना है, तो आपने बोला पी एटमोस्फेरिक, मैंने पूछा यहाँ प्रेशर कितना है तो आपने फिर बोला पी एटमोस्फेरिक, मैंने पूछा क्यों, तो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सरफेस फ्लैट है और फ्लैट सरफेस में ऊपर और नीचे प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। उसी तरीके से यहां पर कितना है पी एटमोस्फेरिक और यहां पे कितना है पी एटमोस्फेरिक, पर यहां पे कितना है, यहां पे अभी डिस्कस किया था पी एटमोस्फेरिक से कम, कितना, जितना इसका मेनिस्कस का रेडियस है 2T/R। क्या स्टेप क्लियर है, ऐसी बनेगा ना सिचुएशन, फ्लैट सरफेस में तो पी एटमोस्फेरिक और जो ये जो कर्व्ड सरफेस है बीच में मेनिस्कस वाली उसमें पी एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखने वाली ये चीज है
इस जगह पर प्रेशर पी एटमोस्फेरिक है, इस जगह पर पी एटमोस्फेरिक है, पर यहां पर कम है। और जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है ना, तो पानी मूव करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये रहा आपका हायर प्रेशर, ये रहा आपका लोअर प्रेशर। तो पानी यहां पे प्रेशर लगाएगा और ऐसी यहां का पॉइंट यहां पे प्रेशर लगाएगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर कम है ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर वाली जगह पे कम है और फ्लैट सरफेस पे ज्यादा है। उस प्रेशर डिफरेंस के चक्कर में ये जो लिक्विड है ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कितना ऊपर चढ़ा? ये ऊपर चढ़ा बाय हाइट ऑफ एच, ये एच हाइट ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये जब एच हाइट ऊपर चढ़ेगा, कब तक चढ़ता जाएगा? हमेशा तो चढ़ेगा नहीं। ये कर क्या रहा है पानी ऊपर चढ़ के? क्योंकि यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम है, तो यहां पे प्रेशर जो था वो तो है ही है, एच रो जी से बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक है, यहां का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक माइनस टू टी बाई आर है, और पानी ऊपर चढ़ गया तो नीचे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया इसी पॉइंट पर एच रो जी भी। अब एक ऐसा पॉइंट टाइम आएगा जब ये प्रेशर और इस पॉइंट का टोटल प्रेशर इक्वल हो जाएगा। जैसे ही इक्वल होगा तो प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा और पानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा और एच हाइट अटेन कर लेगा। ये लॉजिक समझ में आया पानी ऊपर क्यों चढ़ता है प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट से? इसमें डाउट? पानी ऊपर क्यों चढ़ रहा है? पानी इसलिए ऊपर चढ़ रहा है, मैं फिर समझाता हूं। पानी इसलिए ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि फ्लैट सरफेस के नीचे तो प्रेशर भी एटमोस्फेरिक है, चाहे यहां लो चाहे यहां लो, लेकिन जो मेनिस्कस है ये वाला, इसके नीचे प्रेशर पी एटमोस्फेरिक माइनस टू टी बाई आर होता है। अब यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम है, तो लिक्विड विल मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर, और इस चक्कर में लिक्विड ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बाय हाइट ऑफ एच। कब तक चढ़ेगा? जब तक किसी पॉइंट का प्रेशर बढ़ के एच रो जी बढ़ गया, किसी टाइम पे ये टोटल प्रेशर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम है तो पानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर आपको एच निकालने, और हाँ इसके अंदर जो कैपिटल आर मैं यूज कर रहा हूं वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, भूलना नहीं है, और टी फॉर सरफेस टेंशन है। तो इसके अंदर यहां से देखते हैं, तो लेफ्ट साइड पर प्रेशर पी एटमोस्फेरिक था, उस ट्यूब के अंदर प्रेशर पी एटमोस्फेरिक माइनस टू टी बाई आर था, और पानी ने ऊपर चढ़ा के एच रो जी प्रेशर बढ़ा लिया ताकि लेफ्ट का और राइट का प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे इक्वल हुआ ये कट गया, सॉल्व करके आंसर आ गया और यहां से हाइट की वैल्यू आ गई। तो ये हाइट का फॉर्मूला आ गया 2t बाय कैपिटल r रो जी, फिर कैपिटल r इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बुकलेट में, जिसमें कैपिटल r इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। क्लियर है यहां तक? यस, लिखो प्लीज चैट में। ठीक है, तो इसमें जब स्कूल में लिखने को आएगा ना, तो यहां तक नहीं लिखना, थोड़ा आगे एक स्टेप और लिखना है। वो क्या? एच की वैल्यू आपने रेडियस ऑफ मेनिस्कस के फॉर्म में निकाला, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक, आवाज आ रही है? ठीक है, तो h की वैल्यू टू टी बाई कैपिटल r रो जी। अब आपको हाइट निकालने को आती है ट्यूब के रेडियस की फॉर्म में। अब ये ट्यूब है और ये लिक्विड है, इसका मेनिस्कस ऐसा था। आपको याद होगा कि अगर मैं इसको एक स्फेयर बना लेता हूँ इमेजिनरी, तो इसका सेंटर है, इसके रेडियस को क्या बोलते हैं? कैपिटल आर बोलते हैं, कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ अ स्फीयर। और ट्यूब के रेडियस को क्या बोलते हैं? स्मॉल आर, स्मॉल आर, ट्यूब का रेडियस है स्मॉल आर। तो इसके अंदर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट मैं यहां ड्रॉ करता हूं,
इस टेंजेंट ने ये एंगल बनाया जिसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक। अब मुझे पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में एंगल क्या बना रही है, 90। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक हो गया। और उसी तरीके से रेडियस और टेंजेंट आपस में एंगल क्या बनाते हैं, 90। तो 90 बनाते हैं, तो इसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर इस ट्राइंगल से आप कॉस थीटा की रेशियो निकालो, जो कि क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या आएगा, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। तो हमने हाइट का फॉर्मूला क्या निकाला था, कैपिटल आर की फॉर्म में 2t बाय कैपिटल आर कॉस थीटा। तो आप रिप्लेस कर दो कैपिटल आर को यहां से यहां पे, ये रहा रिप्लेसमेंट हो गई, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये जो हाइट की वैल्यू आ गई, यहां तक आपने प्रूव करके आना है, और न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला ज्यादा चलता है, ये वाला फॉर्मूला 2t cos theta by r rho g, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो न्यूमेरिकल के लिए भी और थ्योरी के प्रूफ के लिए भी, यहां तक करना है। ये स्टेप क्लियर है सबको, हो जाएगा प्रूफ ये जब स्कूल में आएगा। ठीक है, तो 2t cos theta by r rho g। अब एक क्वेश्चन आता है क्या, कि सपोज करो आपकी जो लिक्विड की कैपिलरी है वो एक इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी है। इनसफिशिएंट लेंथ का मतलब कि लेंथ उसकी छोटी है, होनी चाहिए थी इतनी, ताकि लिक्विड कितनी हाइट अटेन कर जाए, h, लेकिन है कितनी, h डैश, छोटी ट्यूब है। तो अब क्या पानी चढ़ना तो यहां तक था, यहां तक चढ़ना चाहिए था ऊपर तक, तो क्या होगा, पानी क्या यहाँ, ये क्या फाउंटेन बनेगा, फारा नीचे गिरेगा, नहीं, तो नहीं नीचे नहीं गिरेगा पानी, कभी ट्यूब से नीचे नहीं गिरेगा। तो क्या होगा, ये टॉपिक आपको बताता है, राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट लेंथ। तो जिस ट्यूब की लेंथ इनसफिशियंट है उसमें, उस ट्यूब में लिक्विड कैसे राइज होता है, ये आपको बताना है। क्लियर है, टॉपिक समझ में आ रहा है। तो इसको करने के लिए ये ज्योमेट्री हम सीख ही चुके हैं, कॉस थीटा वाली तो पता ही है हमें, ये ट्यूब का रेडियस है और ये कैपिटल आर जो है वो मेनिस्कस का रेडियस है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो अब होगा क्या, एच का फॉर्मूला मेनिस्कस की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में नहीं, मेनिस्कस वाला फॉर्मूला, कॉस थीटा लगाया नहीं ना कैपिटल आर वाला, जो ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमने ऊपर ये प्रूव किया था 2t बाय कैपिटल आर रो जी। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, इस फॉर्मूले में एक काम करते हैं, h और r को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, ठीक। इसमें 2 कांस्टेंट है, जिस भी लिक्विड के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसकी सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, वो लिक्विड टू लिक्विड चेंज होती है, पर लिक्विड में चेंज ही नहीं कर रहे, रो और g भी कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है। इसका मतलब h into r का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हाइट हमने छोटी रखी तो रेडियस अपने को क्या मिलेगा, मेनिस्कस का ज्यादा मिलेगा, रेडियस ज्यादा मिलेगा। जब हम ये बोलते हैं कि हमें रेडियस ज्यादा मिला, इससे मतलब क्या है, देखो मैं आपको ना कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। रेडियस ज्यादा का मतलब है कि जैसे सपोज ये एक ट्यूब है, ठीक है, एक और ट्यूब ले लेते हैं, ये लो एक और ट्यूब ले लेते हैं, 3 एग्जांपल दे देता हूँ और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये लो ये ट्यूब है, सपोज करो ये मेनिस्कस है, काफी डीप है मेनिस्कस, इसका मेनिस्कस उतना डीप नहीं है, इसका तो और भी डीप नहीं है, ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो एक का मेनिस्कस काफी नीचे को है, एक का कम, एक का बिल्कुल ही फ्लैट की तरह है। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि इसका मेनिस्कस काफी डीप है, नीचे की तरफ है, तो जब मैं इसका इमेजिनरी स्फीयर बनाऊंगा तो ऐसा कुछ स्फीयर बनेगा विद रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और जब मैं इसका बनाऊंगा तो इसका स्फीयर का साइज बड़ा बनेगा, ऐसा बनेगा कैपिटल आर, ठीक, थोड़ा बड़ा बनेगा, जितना फ्लैट होगा ना उतना ही बड़ा बनेगा, जितना कर्व होगा, फर्स्ट केस में कर्व ज्यादा है, रेडियस कम बनेगा,
अब ये तो बिल्कुल ही फ्लैट है, अब बिल्कुल ही फ्लैट के अंदर तो रेडियस ये स्फेयर बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा कुछ ऐसे। तो आइडिया समझ में आ रहा है? तो याद रखना ये चीज कि जितना भी फ्लैट सरफेस होगा रेडियस उतना बड़ा बनेगा। क्लियर है यहां तक? इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज को? यस लिख सकते हो या नो, जो भी लिखना लिखो प्लीज। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना कि जितना डीप होगा नीचे की तरफ उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा बनेगा, रेडियस स्फेयर का छोटा बनेगा मेनिस्कस का, और जितना कम डीप होगा रेडियस उतना ही बड़ा बनेगा। अब देखो हमने रिजल्ट क्या किया, हम भी तो वही कह रहे हैं कि अगर आपने हाइट छोटी रख दी तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो डेप्थ यहां पर थी लिक्विड की बस वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पानी नीचे नहीं गिरेगा, सरफेस फ्लैट हो जाएगा क्योंकि रेडियस क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा। बस ये कहने की कोशिश है। क्लियर है सबको यहां तक? रेडियस ऑफ मेनिस्कस में कैसे फर्क पड़ेगा? ठीक, तो न्यूमेरिकल में काम भी आ जाता है कि पहले हाइट अगर एच थी, रेडियस मेनिस्कस का कैपिटल आर था, फिर हाइट आपने छोटी कर दी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस आर डैश हो गया, तो इनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये याद रखना रिजल्ट को, बस ये रिजल्ट है। ठीक है यहां तक? ये दो रिजल्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन में पहला फैक्टर है, ये आ जाता है कभी नीट वालों में आ जाता है और एनसीईआरटी में भी आ सकता है, एक नंबर का अफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन। इफ वाटर सरफेस हैज डस्ट, ग्रीस या ऑयल, सरफेस टेंशन कम हो जाती है, याद रखना। अफेक्ट ऑफ सॉल्यूट, हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड जो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता है पानी में, इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, बढ़ा देता है। और स्पेरिंगली सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक फिनॉल या सोप रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, ये याद रखना, इफेक्ट्स हैं ये तो। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमने पहले भी डिस्कस किया था टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, तो सरफेस टेंशन जीरो भी हो जाती है कभी कभी, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो वो जीरो हो जाएगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का नाम क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। वैसे फॉर्मूला दिया होता है बुक्स में, इसके बाद मेडिकल नहीं आता कि सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर टी इज सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर जीरो वन माइनस एल्फा इंटू टी फॉर टेम्परेचर, एल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फैक्टर डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये अपने आप डिक्रीज हो जाएंगे। खैर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता नहीं, नहीं भी याद करोगे फॉर्मूला चलेगा, बस ये याद रखना कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर देन सफिशियंट है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब टॉपिक है? यस सर। ओके देखो लास्ट टाइम हमने बबल कॉम्बिनेशन पे भी कुछ डिस्कशन की थी और मैंने आपको कहा था कि जब बबल कंबाइन होते हैं ना तो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वेट नहीं होती कभी भी, और मैंने उस टॉपिक को करवाया भी था एसएल की बुक के अंदर से लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे सरफेस एनर्जी के, तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाई थी कि एनर्जी फर्स्ट बबल में कैलकुलेट कर लो, एनर्जी सेकंड में कैलकुलेट कर लो जो उसको फैलाया गया होगा, और ऐड करके नए बबल को दे दो। तो मुझे याद है कि हमने कुछ ऐसे ही किया था, सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू फर्स्ट बबल का एरिया इतना था, फिर सिग्मा सरफेस टेंशन इंटू एरिया कितना था इतना था, और नए बबल के लिए सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर था। तो ये सब कैंसिल हो गया था, आंसर ये आ गया था, आपको याद है ऐसा कुछ किया था हमने। इस क्वेश्चन को चाहे ऐसे भी कर लो चलेगा, लेकिन एक और तरीका है, कई बुक्स ऐसे करती हैं, व्हेन टू बबल्स कंबाइन इन वैक्यूम, वैक्यूम वर्ड जरूरी है, बबल्स वैक्यूम में कंबाइन हो गए और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो कई लोग इसको केमिस्ट्री की तरह करते हैं, कह रहे बबल के अंदर तो गैस है ना, चाहे एयर है कोई बात नहीं, एयर भी गैस है, दूसरे बबल के अंदर भी गैस है, दोनों गैसेस मिक्स होकर नया बबल बन गया। तो फिर ऐसा करते हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, तो वी कैन अप्लाई फर्स्ट बबल के लिए P1V1, सेकेंड बबल के लिए P2V2, और नए बबल के लिए P2V। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P2V। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा कुछ कर लो, आप करते ही हो केमिस्ट्री में ऐसा।
राइट, क्लियर है? ठीक। अब किसी भी बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर लास्ट टाइम किया था, क्या होता है? पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक, यही होता है, अंदर का प्रेशर माइनस पी एटमोस्फेरिक प्रेशर, और जिसका डिफरेंस क्या होता है, 40/R, राइट। तो बबल में अंदर का प्रेशर पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू 40/R, ये हमने किया हुआ है। अब इनसाइड का प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक को राइट साइड पे ले जाओ, तो इनसाइड का प्रेशर इसके इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि वो कह रहा है बबल तो वैक्यूम में है, वैक्यूम के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर होता ही नहीं, इसको उड़ा दो, तो वैक्यूम के अंदर अंदर का प्रेशर सिर्फ 40/R। क्या स्टेप क्लियर है? वैसे एयर में ये होता है, तो पी एटमोस्फेरिक हटा दिया तो अपने आप ये प्रेशर इनसाइड बबल आ गया, और क्योंकि उसने वैक्यूम बोला तो इसलिए फर्स्ट बबल के अंदर का प्रेशर सिर्फ 40/R1 और वॉल्यूम 4/3/R1³। ऐसी सेकेंड बबल का 40/R2 और वॉल्यूम 4/3/R2³। ऐसी नए बबल का 40/R और वॉल्यूम 4/3/R³। तो यहाँ से 40 ये सब क्या हो जाएगा, कैंसल। तो सॉल्व करिए, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको वो मेथड पसंद है वो भी कर सकते हो, पर ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है। जब बबल कंबाइन होते हैं तो नया रेडियस निकालना होता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, कैपिटल आर का अंडर रूट ऑफ R1² + R2² है। क्या ये टॉपिक क्लियर है? यस लिखें प्लीज। ठीक, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में देखेगा, सब्जेक्टिव में तो मुझे नहीं देखा मैंने इसे, ऑब्जेक्टिव में देखेगा क्या, पहला क्वेश्चन आएगा कि दो बबल्स हैं। कई बार आपने देखा होगा जब बबल फुला रहे होते हैं ना सोप के साबुन के, चिपक जाते हैं। चिपकते भी कैसे हैं, ऐसा एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो छोटे वाला ना बड़े के अंदर घुसने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ हो जाता है, अजीब सा कुछ, दो बबल्स कंबाइन हो जाते हैं इकट्ठे। तो वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक बड़ा बबल है और एक छोटा बबल है, मैंने इमेजिन करना है कि बबल फटेंगे नहीं, मैंने किसी तरीके से यहाँ पर एक पाइप लगा दी, दोनों साइड से ओपन है, तो हवा छोटे बबल से बड़े बबल के अंदर जाएगी या बड़े बबल से छोटे बबल में जाएगी, आपको बताना है। एयर छोटे से बड़े में जाएगी या बड़े से छोटे में जाएगी, आपको बताना है। तो आंसर है जो एयर है वो छोटे से बड़े में एंटर करेगी। रीजन, जो बबल होता है ना उसका जो एक्सेस प्रेशर होता है, अगर आपको याद हो, इनसाइड माइनस एटमोस्फेरिक, एक्सेस प्रेशर जो होता है वो होता है 40/R। अब क्योंकि छोटे बबल का रेडियस होता है कम, तो इसलिए ये रेशियो क्या हो जाती है, ज्यादा। तो अंदर का प्रेशर इस पी एटमोस्फेरिक प्लस 40/R, तो क्योंकि रेडियस का मैं ये टर्म ज्यादा है, तो ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाता है अंदर के बबल में, छोटे बबल में ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? तो छोटे बबल का अंदर का प्रेशर हमेशा हमेशा ज्यादा होगा और बड़े बबल का हमेशा कम होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए एयर कहाँ जाती है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो व्हेन टू बबल्स आर कनेक्टेड बाय अ पाइप, एयर मूव्स फ्रॉम बबल विद स्मॉल रेडियस टू बबल विद लार्ज रेडियस। सही पहला आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये जब ये कंबाइन होंगे ना तो ये ऐसा रहेगा नहीं सरफेस फ्लैट, ये क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, घुस घुस के देखो कैसे घुस गया, ऐसा घुस गया, देख रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा था, एक्सेस प्रेशर इसका ज्यादा है ना अंदर, तो अब अंदर तो घुस गया बड़े के, तो ये देख रहे हो ये जो सरफेस है ये वाली इमेजिनरी, ये कॉमन इंटरफेस है इनका, इस इंटरफेस का इमेजिनरी जो रेडियस बनेगा, एक पूरा स्फीयर बना लो, वो इमेजिनरी रेडियस क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, राइट। तो ये R2 या R1, तो इसमें ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस का रेडियस बताना है आपको, राइट। अब सारी गेम है किसकी, प्रेशर डिफरेंस की, यहां से अलग प्रेशर डिफरेंस है, यहां से अलग प्रेशर डिफरेंस है, और एडजस्टमेंट तो हो ही गई, तो एडजस्टमेंट कैसे हुई,
छोटे ने एक्सेस प्रेशर कितना लगाया 40/R1, बड़े कितना लगाया 40/R2, और जो नया इमेजिनरी सरफेस बना वो क्या बना 40/R, ये रहा 40 40 40, कैंसिल, आपके पास ये आंसर आ गया। आप इसको ना एज अ फॉर्मूला याद कर लो, आपको ये प्रूफ तो आएगा नहीं पर ऑब्जेक्टिव में सीधा आएगा इंटरफेस, कॉमन इंटरफेस का रेडियस क्या होगा ये आपको बताना होगा। आप सीधा फॉर्मूला लगा देना, कैपिटल आर इज R1 × R2 डिवाइडेड बाय R2 - R1, क्या ये रिजल्ट याद रहेगा सबको? ठीक ठीक, मैंने एक शीट ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करो। हमने ये न्यूमेरिकल कर लिए थे, एक्सेस प्रेशर के भी कर लिए थे। इसमें आखिरी पार्ट ना ये था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 90 कैपिलरी एक्शन पे है। क्वेश्चन है जो हमने फॉर्मूला किया कैपिलरी एक्शन का वो था 2t cos θ, ये 2σ यूज कर रहा है एक ही बात है, और जिसमें cos थीटा यूज हो रहा है उसमें r का मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। तो कैलकुलेट हाइट टू विच वाटर विल राइज, आपको h निकालना है इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1.5 mm डायमीटर। तो आपको रेडियस पता है, ठीक, डायमीटर से ज्यादा करेंगे रेडियस आ गया, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी पता है, सिग्मा पता है। अब क्योंकि वाटर की बात हो रही है तो डेंसिटी वाटर की स्टैंडर्ड 1000 होती है, कोई बताएगा नहीं, ये स्टैंडर्ड है, याद ही करनी है 1000। तो जी आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, रेडियस आपको पता है, सिग्मा आपको पता है, क्या नहीं पता, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं पता। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाटर का ना बहुत बड़ा बनता नहीं है, तो जिस वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, जिस भी क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ना गिवन हो याद रखना, उसमें प्लीज आप एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को 0 पुट कर लेना, ठीक है। तो रेडियस आ गया, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सिग्मा आपको SI में, डेंसिटी SI में, थीटा को बाय डिफॉल्ट 0 कर लेना, जिसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ना गिवन हो उसमें। तो हाइट में पुट कर दें, सिग्मा पता है, कॉस थीटा कॉस 0 इज 1, आर पता है, रो पता है, और जी पता है आंसर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? वैसे नॉर्मली गिवन होता है, नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, हम थीटा को 0 पुट कर देंगे। इसका मतलब वो मेनिस्कस जो है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वो नहीं बनाना चाह रहा, वो थीटा बनाना चाह रहा है, 0 बनाना चाह रहा है। वैसे 0 दिखने में तो कैसा बनता है, ये देखो 0 ऐसा बनता है दिखने में, ये कंटेनर है तो लिक्विड मेरे हिसाब से ऐसा बनेगा, बिल्कुल चिपका हुआ, ऑलमोस्ट ही चिपका हुआ काफी ऊपर तक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सॉलिड के साथ इसका एंगल ऑटोमेटिकली 0 बनेगा, फ्लैट नहीं, फ्लैट के अंदर तो 90 बन जाता है, 90, क्योंकि फ्लैट में टेंजेंट सीधा ऊपर फ्लैट बनता है, टेंजेंट अगर ऐसा बनेगा तो 0 बनेगा,
तो ये जस्ट इमेजिनरी है, लेकिन चलो आपको इससे मतलब नहीं है, शेप वैसी वैसी मैंने शेप बताई पर आपको चाहिए नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 91। लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो हाइट आपको पता है 7 सेंटीमीटर, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आपको पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस ऑफ ट्यूब इज जीरो, अगेन चलो उसने बोली दिया जीरो, नहीं बोलता हम वैसे जीरो लेने वाले थे, कैलकुलेट सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो सेम ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है इसमें, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हाइट हमें केवल है सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस एम में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी पता है, थीटा पता है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, h इज इक्वल टू 2t, t की जगह सिग्मा cos थीटा बाय r रेडियस ऑफ कैपिलरी रो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, तो फॉर्मूला बन गया, सिग्मा निकालना है, हाइट पता है, रेडियस पता है, डेंसिटी पता है, जी पता है, cos 0 is 1, सॉल्व करके आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक 91 नंबर क्वेश्चन? और इस चीज का आंसर भी बता दूं कि मरकरी नीचे क्यों गिरती है, h क्या होता है 2 सिग्मा या 2t cos थीटा बाय r रो जी, मरकरी जैसों के लिए थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, जैसे 120। अब cos 120 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हाइट क्या आती है मरकरी में, नेगेटिव, पॉजिटिव हाइट का मतलब ऊपर जाना लिक्विड का, नेगेटिव हाइट का मतलब नीचे आना, तो मरकरी नीचे गिरती है। और थ्योरेटिकल रीजन ये है, मरकरी को खींचने वाले मॉलिक्यूल नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत तेज खींचते हैं, जिस वजह से मरकरी नीचे गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, वॉटर राइजेज अप इन अ ग्लास कैपिलरी अप टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो पानी तो ऊपर चढ़ गया, मरकरी फॉल्स डाउन बाय 3.4। जब फॉल डाउन की बारी आती है ना, तो आपने हाइट नेगेटिव लेनी है और ऊपर जाने में हाइट आपने पॉजिटिव लेनी है। एज्यूम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वॉटर का 0 है और मरकरी का 135 है, और कॉस ऑफ 135 आपको दे भी रहा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एंड वाटर। तो एक बार वाटर के लिए फॉर्मूला लगाओ, हाइट वाटर की पता है मीटर में कर लो, डेंसिटी वाटर की बाय डिफॉल्ट 1000 है, थीटा 10 है, मरकरी के लिए H2 नेगेटिव है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, डेंसिटी पता है और थीटा पता है। तो एसेंट फॉर्मूला से सिग्मा का फॉर्मूला आ गया वाटर का, सिग्मा का फॉर्मूला आ गया मरकरी का, रेडियस जी सेम रहेगा, बाकी फैक्टर चेंज है, इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लिया,
एच टू मरकरी का नेगेटिव पुट कर दो और एंगल भी 135 एंगल मरकरी का थीटा 135 जो कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। आपको दोनों की हाइट पता है, दोनों की डेंसिटी पता है, दोनों के एंगल्स पता है, रेशियो आ जाएगी। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, क्वेश्चन नंबर 93। वॉटर राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन अनदर कैपिलरी जिसका रेडियस 1/3 है R/3, कितना पानी राइज करेगा? ये पहला पार्ट है। देखो इसने क्वेश्चन जो पूछा वो रेडियस ऑफ कैपिलरी पे पूछा, तो आप हाइट का फॉर्मूला लेंगे उसमें रेडियस ऑफ कैपिलरी वाला फॉर्मूला लें, मैंने इसका सलाना लें जिसमें स्मॉल आर यूज होता है। तो इस बार फिर आप स्मॉल आर और एच को इकट्ठा रख लें, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो वही सेम स्टाइल है, एच इनटू आर इज अ कांस्टेंट। तो हाइट पहले कितनी थी? 2, जब रेडियस क्या था? आर। हाइट कितनी हो गई? R/3। सेकंड केस में हाइट आपको निकालनी है, सॉरी रेडियस कितना हो गया? R/3। हाइट आपको निकालनी है 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? यस, लिखे अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि हाइट तो 2 सेंटीमीटर, पहले केस में आपकी जो ये ट्यूब है ना उसने बेंड कर दी ट्यूब को, ये जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर की थी पहले जब खड़ी थी, इसने ट्यूब को बेंड कर दिया बाय एन एंगल ऑफ कितना? 60। तो कह रहे ये बताओ कि हाइट कितनी है लिक्विड की कैपिलरी ट्यूब में, नीचे हाइट दिखी नहीं जाती, याद रखना आपने हाइट जो लेनी है वो यहां से लेनी है। तो एल बताने आप कितना है ट्यूब में। अब एच अगर 2 है तो ये भी 2 ही तो है ना, सेम है हाइट। तो अगर वर्टिकल के साथ एंगल 60 है तो वर्टिकल से ये एंगल भी 60 ही है। तो इस ट्रायंगल में कॉस ऑफ 60 क्या होगा? एच अपॉन एल। तो एल क्या होगा? एच अपॉन कॉस 60। हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कॉस 60 कितनी है? 0.5। आंसर तो क्लियर है। अगर ट्यूब टेढ़ी हो तो क्या करना है आपने? ठीक है, तो बस आपने कुछ नहीं करना, अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपने ये अनसॉल्व आपने ट्राई कर लेने हैं, कैपिलरी एक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं। मैं अगली शीट ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड।
इस क्वेश्चन को पढ़ें। तो इसमें एक यू शेप्ड वायर मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, मेरी आवाज yes, आ रही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मेरा ओपन करना, डिस्कनेक्ट हो गया था, वो ब्रॉडबैंड चला गया अपना, थोड़ा ये उस पे चल रहा है हॉटस्पॉट पे, एक सेकंड।
तो देखो हम बात कर रहे थे कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर वेट को बैलेंस कर जाए तो स्लाइडर ना रेस्ट पे रहेगा। तो अगर इसकी स्लाइडर की लेंथ एल है और सरफेस टेंशन टी है तो फोर्स क्या होगी, टी इंटू एल, और टू टाइम इसलिए क्योंकि फोर्स आगे भी लगेगी और पीछे की तरफ भी लगेगी, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था दो फ्री सरफेस है। तो टू इंटू टी इंटू एल और वेट क्या है डब्ल्यू, तो इन्हें इक्वेट करके आपको लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है, वेट आपको गिवन है, या फिर टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्लियर है आंसर? ये ड्रॉप्स वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया एसएल से, सफिशिएंट है वो। ये वाला क्वेश्चन जे वाला भी कर लिया था, जूल इक्विवेलेंट वाला, ये जरूरत नहीं है, ये नहीं किया था, ये एक बार पढ़ लें। टू स्फेयर्स ऑफ सोप बबल कंबाइन, फिर से बबल कॉम्बिनेशन है, एक सेकंड प्लीज। तो देखो, तो मैं कह रहा था क्योंकि इसमें वैक्यूम तो है नहीं, इसके अंदर तो एयर ही है, तो P inside क्या होगा बबल में, P inside is P atmospheric plus 40 by R1, और ऐसी second बबल में P atmospheric plus 40 by R2, नए बबल में P naught plus 40 by R, और बबल जब कंबाइन होते हैं तो मैंने आपको इक्वेशन तो बता ही दिया, आप ये लगा लेना। अब इसके अंदर और जो पहले ऐसा क्वेश्चन किया था उसमें ये फर्क था, उसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया था, ये वैक्यूम था, इसमें लेना है। तो P1 की जगह ये पूरा प्रेशर, वॉल्यूम की जगह फर्स्ट बबल का वॉल्यूम, P2 की जगह सेकंड प्रेशर, वॉल्यूम की जगह सेकंड वॉल्यूम, P की जगह नेक्स्ट प्रेशर नए बबल का और वॉल्यूम नए बबल का, राइट। इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ऐसे टर्म्स आएंगी। कॉमन आएगा पी नॉट, अंदर ये बचेगा, कॉमन आएगा 40 बाई 3, अंदर ये बचेगा। साइड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना, कॉमन निकाल लेना। तो फर्स्ट बबल का वॉल्यूम, सेकंड बबल का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम कितना गिवन है, वी एरियाज का डिफरेंस क्या है, ए, एलसीएम लेके जो प्रूफ करना आंसर आएगा। तो कई बार प्रूफ करने को आ जाता है तो एटलीस्ट आपको आइडिया पता है कि आपको कैसे इसमें लगाना है।
मैं नई शीट ओपन कर रहा हूँ, एक सेकंड वेट करें प्लीज। शीट नंबर 124 ये रहे। इस शीट में ना एनसीईआरटी खत्म होगी प्लीज। एनसीईआरटी लेवल उतना ही था, कंपटीशन में वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं पर कभी कभी एक्सेप्शनल भी आते हैं। मैं आपको एक एक्सेप्शनल क्वेश्चंस मैंने नोट किए हुए हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और 10-15 मिनट का वीडियो भी सेंड करूंगा। जो इंटरेस्टेड होंगे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स उसको सुन भी सकते हैं, मेडिकल के भी सुन सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना प्लीज। देखो क्या किया इन्होंने, एक ग्लास कैपिलरी ली और शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन, कोन शेप ले ली ऐसी, ऊपर से बड़ी नीचे से बिल्कुल छोटी, विद एपेक्स एंगल अल्फा। ये कोन का एंगल नीचे कितना है, अल्फा एंगल बना हुआ नीचे, बहुत छोटा है। सो दैट इट्स टू एंड है क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडियाई, नीचे से कम ऊपर से बड़ा। व्हेन डिप्ड इन वाटर वर्टिकली, पानी में डाल दिया, वाटर राइजेस हाइट ऑफ एच, पानी ऊपर चढ़ गया, कैपिलरी एक्शन हो गया। तो कह रहे हैं रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बी है, मतलब इसका जो यहां का ऊपर का रेडियस है ट्यूब का वो बी है, नीचे का तो बहुत ही छोटा है ना, लेना नहीं। सरफेस टेंशन एस है, डेंसिटी रो है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा है। तो एसेंट फॉर्मूले से एच क्या होगा, ये क्वेश्चन है। उसने फिर से आपसे एसेंट फॉर्मूला ही पूछ लिया, बस फर्क ये है कि आपकी जो ट्यूब है वो सीधी नहीं है, उसमें रेडियस ऊपर नीचे सेम था, इसमें रेडियस ऊपर अलग है नीचे अलग है। तो प्रूफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे, कुछ नहीं है, एक ज्योमेट्री है सिर्फ। चलो ज्योमेट्री देखते हैं। सपोज ये ट्यूब है, ठीक, ट्यूब क्योंकि ऊपर से बड़ी नीचे से छोटी है तो ये बड़ी है, यहां से कितनी बी, नीचे से बहुत ही छोटी है ना, बिल्कुल ना के बराबर है। उसने कहा एपेक्स का एंगल ये वाला कितना है अल्फा, तो आधा एंगल कितना है अल्फा बाय टू। ये लिक्विड का मेनिस्कस है, ये रहा, ये कोन है, ये ट्यूब है, सॉरी ये ट्यूब है। इसमें अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं लिक्विड की सरफेस पे कहीं पर भी, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या बना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा। ये फिगर क्लियर है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्लियर है थीटा, ठीक है थीटा। तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी क्या हो गया थीटा, थीटा। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा बाय टू है, अल्फा बाय टू है, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल भी कितना है अल्फा बाय टू है, ये भी अल्फा बाय टू है। तो एक अगर अल्फा बाय टू है तो दूसरा भी अल्फा बाय टू है, राइट, क्लियर है यहां तक, ज्योमेट्री समझ में आ रही है। यस लिखे हैं, नो लिखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेप है, ये टोटल एंगल कितना है थीटा प्लस अल्फा बाय टू है, ये रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे है, और ये एंगल अगर थीटा प्लस अल्फा बाय टू है तो बचा हुआ एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा प्लस
अल्फा बाय टू होगा, क्लियर है, ये एंगल हो गया। और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी 90 पे है, तो अगर ये एंगल इतना है तो बचा हुआ कितना है, थीटा प्लस अल्फा बाय टू। ये स्टेप समझ में आया कि ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या बन गया, थीटा प्लस अल्फा बाय टू, राइट, क्लियर है ज्योमेट्री। ठीक है, बस यही है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्यूब का रेडियस भी है, मेनिस्कस का कैपिटल आर है, यहाँ से कॉस थीटा अगर हम लें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कॉस ऑफ ये पूरा एंगल यानी कि थीटा प्लस अल्फा बाय टू इज बी बाय आर, बी बाय आर, यहाँ से बी आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा। हमने आज डराइव किया था हाइट का फॉर्मूला 2t बाई कैपिटल आर रोजी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इस कैपिटल आर को यहाँ पुट कर दें, आंसर ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव जो पुराने पेपर सॉल्व करेंगे दिस इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कैसे सोचना है इसमें, एक ही बस फर्क है ज्योमेट्री में फर्क है और कोई फर्क नहीं इसमें, राइट, क्लियर है, यस लिखें प्लीज। ठीक है, अब ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये पहले एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे कहानी लंबी है पर है अंदर कुछ नहीं कहानी में। ये प्रॉब्लम डिटैचमेंट की प्रॉब्लम्स होती है, डिटैचमेंट की एज ऐसी प्रॉब्लम है, तीन इसकी वीडियो भी सेंड करूंगा, दो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ आपको, बस ये लास्ट दो क्वेश्चन है, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या करना है। इस पूरी कहानी के अंदर वो कह रहे हैं एक एक लिक्विड मेडिसिन है, डेंसिटी रो is to be put in the eye, it is done with the help of a dropper. हम आई टोन डालते हैं ना आँख में, पीछे वो लगा होता है बल्ब, तो ड्रॉप निकलता है। As the bulb on the top of the dropper is pressed, बल्ब को दबाते हैं, drop forms at the opening of the dropper. Dropper के आगे एक ड्रॉप बन जाता है। We wish to estimate size of the drop. हमने रेडियस निकालना है ड्रॉप का। We first assume that drop formed at the opening is spherical. क्योंकि शुरू शुरू में ना spherical रहेगा वो, बाद में क्या हो जाएगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं साइज को पता करने के लिए, वी कैलकुलेट द नेट वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन टी। हम ऊपर की फोर्स को जो है वो कैलकुलेट करते हैं जिसकी सरफेस टेंशन टी है, जब रेडियस उसका आर है। व्हेन दिस फोर्स बिकम स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ड्रॉप, ड्रॉप इज डिटैच फ्रॉम द ड्रॉपर। देखो ये सारी कहानी छोड़ दो, मैं आपको समझाता हूँ चक्कर क्या है। एक लाइन में ये रहा आपका ड्रॉपर, ये आपका ड्रॉप, ये इसलिए गिर नहीं पा रहा कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन की वजह से, बाउंड्री पे यहाँ पे बिल्कुल आउटर बाउंड्री पे सॉलिड और लिक्विड की, लिक्विड नहीं सॉलिड और लिक्विड की, तो फोर्स लग रही है सरफेस टेंशन के ऊपर। और क्यों ड्रॉप गिर जाएगा, कौन गिरेगा, इसका वेट इसको गिर देगा, जब वेट बढ़ जाएगा पानी का या मेडिसिन का तो उसको वो ड्रॉप डिटैच हो जाएगा, बस ये कॉन्सेप्ट है। वो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है बताओ ये फोर्स कितनी है सरफेस टेंशन के ऊपर की तरफ, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि फोर्स को वेट के इक्वल कर दो ताकि ड्रॉप डिटैच हो जाए, तो बताओ उस टाइम रेडियस क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, यस लिखें प्लीज।
ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्ट ये लगेगा, रेडियस ऑफ द ट्यूब स्मॉल आर है और ये ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वही थीटा, तो ये भी थीटा है। तो होगा क्या, जो मान लो स्मॉल एलिमेंट है डीएल जो आपने लिया बाउंड्री पे, क्योंकि सर्कमफेरेंस है पूरा ऐसा, तो डीएल लेंथ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ताकि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन में टेंजेंशियल होती है, तो फोर्स होती क्या है टी इंटू लेंथ डीएल छोटे से एलिमेंट पे, हालांकि आपने पूरे सर्कमफेरेंस पे निकाल लिया है वो अलग बात है। तो इसका कंपोनेंट लेंगे ऊपर की तरफ वर्टिकल टी डीएल कॉस थीटा, ये छोटा सा कंपोनेंट आया डीएल के ऊपर। टोटल अगर आपको फोर्स निकालनी है तो पूरे सर्कमफेरेंस की फोर्स निकालने के लिए ऐसे टी डीएल कॉस थीटा हर बाउंड्री पे आपको मिलाना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और डीएल की इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगी ट्यूब की लेंथ 2πr, कॉस थीटा तो आप ज्योमेट्री से निकाल ही लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आएगी। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। तो ड्रॉपर वाले क्वेश्चन में फोर्स हमेशा टेढ़ी लगेगी, उसका कॉम्पोनेंट हमेशा ऊपर लगेगा, बस ये स्टैंडर्ड है, बस कोई चेंज हो गया तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और अगर ये ड्रॉप नीचे गिर गया तो सिंपल है कि ये जो फोर्स है ये वेट के इक्वल है, वेट का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, यहाँ से सॉल्व करके रेडियस भी आ जाएगा, खत्म। बस ये कॉन्सेप्ट है, कहानी लंबी जरूर थी पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। फिर ये एक टफ क्वेश्चन आया था जे मेन्स में, थोड़ा सा मुश्किल था, मिलता जुलता, लेकिन ये भी मैं आपको क्वेश्चन सीधा आप पढ़ लेना, क्वेश्चन समझा देता हूँ। जब आप पानी गर्म करते हैं ना तो उसमें कंटेनर में, तो बबल ऊपर उठते हैं ना, चाय गर्म करते हुए पानी गर्म हो रहा है तो ऊपर ऊपर बबल आते रहते हैं, तो बबल का रेडियस वो कहता है कैपिटल आर है, और बबल ना चिपका हुआ है अभी नीचे, फ्लैट हुआ हुआ है क्योंकि ये डिटैच होएगा यहाँ से उड़ेगा ऊपर, तो इसका रेडियस स्मॉल आर है नीचे का। आपको स्मॉल आर निकालना है ऑप्शन में गिवन होगा जब ये डिटैच हो जाएगा। ये डिटैच क्यों नहीं हो रहा, तो इसका डायग्राम इसने अलग यहाँ बनाया इस बबल का। वो कह रहा है जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो टेंजेंशियल है, वो सेम ओल्ड स्टोरी टी, फिर आगे टी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल बनेगा, ये थीटा बनेगा तो ये टी कॉस थीटा यहाँ बनेगा, टी साइन थीटा यहाँ बनेगा, तो ये टेंशन सरफेस टेंशन बाउंड्री पे 2πr पे टी साइन थीटा लगेगी, तो फोर्स क्या लगेगी टी साइन थीटा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया 2πr, डीएल दिया उसने, डीएल की इंटीग्रेशन सीधा उसने 2πr की, तो ये फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है जिसने बचा के रखा बबल को, ऊपर उठने नहीं दे रहा। लेकिन बबल क्यों ऊपर उठेगा, क्योंकि अपथ्रस्ट इसको ऊपर ले जाएगा, और अपथ्रस्ट क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, बस इक्वेट करके यहाँ से साइन थीटा इस ट्रायंगल से निकाल लेना और रेडियस की वैल्यू आएगी। तो ये आपको ना प्रीवियस पेपर में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, तो आप जब ट्राई करेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा, जब खुद ट्राई करेंगे। तो सरफेस टेंशन वैसे खत्म है, दो तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको वीडियो भी सेंड करूंगा, वहां से देखना प्रीवियस क्वेश्चंस, तो कुछ मुश्किल क्वेश्चंस हैं, नीट में बहुत आसान आते हैं वैसे बता दूं, नीट वालों को तो एनसीईआरटी तक ही करना है ये क्वेश्चंस, एक आध सुन लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी सुनेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, वैसे सुन लेंगे तो बेटर है, क्योंकि एम्स वालों में ड्रॉपर वाला क्वेश्चन तो डाला ही डिटैचमेंट का। ठीक है, तो आज इतना ही है बस, तो आप इस बार इसको प्लीज रिवाइज कर लो अपने क्वेश्चंस, इस सरफेस टेंशन को खत्म कर लो, नेक्स्ट टाइम हम थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट जा सकते हो प्लीज।